नमस्कार साथियों, अगर आपको होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन करना है और आप लोग भी होमगार्ड भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए आज सबसे बड़ी सूचना आ चुकी है, क्योंकि अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को पास कर चुके छात्रों के लिए सबसे बड़ी भर्ती की शुरुआत होने वाली है और आप लोग इस भर्ती में बिना किसी परीक्षा के सीधे सिलेक्शन ले सकते हैं। इस भर्ती में वेतन क्या रहने वाला है, कैसे आपको आवेदन करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। अंत तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि होमगार्ड भर्ती से संबंधित और जितनी भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं उनके विज्ञापनों से संबंधित जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुंचा जाती है। तो गूगल पर जाइए, सर्च करिए होम गार्ड हिंदी प्रो। जैसे ही आप लोग होम गार्ड हिंदी प्रो सर्च करेंगे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आप लोग ओपन कर लेना। होम गार्ड की बड़ी और होम गार्ड की बम्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अगर आप लोगों को इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं और कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, काफ़ी समय से होम गार्ड की भर्तियों का इंतजार हो रहा था। अपडेट आ रही है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को पास कर चुके छात्र रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देकर आप इस भर्ती में सिलेक्शन पा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के ऑफिशियल साइट से भरे जाएंगे, ऑफलाइन भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा फिक्स रखी गई है, 18 से लेकर 45 साल के बीच में जितने भी मेल छात्र हैं उनकी आयु होनी चाहिए, जबकि फीमेल छात्रों की आयु 18 से 40 साल रखी गई है। आप लोगों को अगर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पे मेरिट पे सिलेक्शन होने वाला है, आपके 10वीं के मार्क्स से यहाँ पे आपके जुड़ने वाले हैं, इवेल्युएट होंगे और साथ ही साथ फिजिकल एग्ज़ामिनेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। PET टेस्ट होगा, वो इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका रिटन टेस्ट के बाद होना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा इसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, जिसमें रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सीट अप्स जैसे कई फिजिकल एक्टिविटीज़ शामिल हैं। इसमें आपकी क्या जो बेसिक पे रहने वाली है इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को होमगार्ड भर्ती 2024 भर्ती के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पे जाके पूरी जानकारी आप लोग पूरी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आ रही, आप लोग भी जाके यहाँ पे पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है जितनी भी भर्तियाँ निकलने वाली हैं सभी भर्तियों को 6 महीने के भीतर कंप्लीट कराया जाएगा और इन सभी भर्तियों में ज़्यादातर भर्तियाँ बिना परीक्षा सीधी भर्ती की होंगी। इस बार GDS की भी भर्ती आई है, जिसमें बताया जा रहा है 44,228 पद हैं और इसमें भी 10वीं की मेरिट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। अगर आप लोगों को इस भर्ती के लिए आवेदन करना है तो आप लोग जाके यहाँ पे पूरी जानकारी ज़रूर पढ़ें। इस भर्ती का इंतजार काफ़ी समय से हो रहा था, आप लोग भी जाके इसके एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी जानकारी ले